अमित मिश्रा बोल रहा हूँ विंध्या टाइम्स न्यूज चैनल रीवा से। जी मिश्रा जी बताइए। नीलांश, डीएमएफ को लेकर जब डिस्कशन हो रहा था बैठक में, आपका वर्जन जानना चाहता हूँ, क्या पूरा मामला था और किस तरह से ये नोकझोंक इतनी तीखी हो गई? एक्चुअली डीएमएफ सतना जिले में डीएमएफ का फंड रहता है, गौण खनिज का माइंस है, चित्रकूट में भी है, रामपुर बघेलान में भी है, तो उसका फंड रहता है जो अन्य क्षेत्रों में गवर्नमेंट की गाइडलाइन से खर्च होता है। तो वो करीबन 33 CR का फंड है जिले में इस 21-22 वाला जो ईयर है, लास्ट ईयर का अलग होता है। तो उसमें यह हुआ कि प्रभारी मंत्री जी चूंकि चित्रकूट और आसपास जान रहे हैं, धार्मिक स्थान है, आस्था से जुड़ा है, तो उसमें उन्होंने तय किया कि 10 CR अपन पूरे चित्रकूट क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए उसको अलग करते हैं, उसके बाद 23 में सारे MLA जिसके जैसे प्रस्ताव आएंगे उस आधार पे दे दिया जाएगा। सहमति बन गई, ओके ठीक हो गया, लेकिन माननीय जी को थोड़ा ये गड़बड़ लगा कि ये पूरा 10 सीधे चित्रकूट विधानसभा में चला जा रहा है, तो इनको थोड़ा हर्ट हुआ कि नहीं मैं तो सांसद हूँ और मेरी तो 7 विधानसभा है, मुझे ऐसा होना चाहिए। हमने भी 200 हैंडपंप अपने प्रस्ताव में मांगे थे और चूंकि हमारे विधानसभा में वो बाण सागर वाला नल जल सप्लाई वाला योजना भी नहीं है मजगुआ ब्लॉक में विधानसभा में, तो हमने कहा हमारे लिए पानी बहुत जरूरी है क्योंकि लोग छोटे छोटे 50 घर बना के रह रहे हैं, कहीं 30 घर बना के रह रहे हैं, गरीब एरिया है, तो उनको पानी की बहुत जरूरत है। तो सभी थे, सारे MLA अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वो पेयजल वाली योजना स्वीकृत करा ली है, प्रपोजल उसका बन गया है, प्रपोजल चला गया है। मैंने कहा अभी प्रपोजल गया है, टाइम लगेगा होते होते, लोगों की जरूरत अभी है, अभी कैसे मर रहे हैं लोग, इसलिए अभी कुछ व्यवस्था करना हैंडपंप के माध्यम से बहुत जरूरी। बोले नहीं, वो करा लूंगा मैं 2024 में करा लूंगा। मैंने कहा 2024 बहुत समय होता है, 24 में कौन रहे कौन ना रहे ये तो आदमी नहीं जानता, अभी आवश्यकता है। बोले नहीं, 24 में मैं तो रहूंगा लेकिन 23 में आप नहीं रहोगे। मैंने कहा समय बताएगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। चित्रकूट की रोड की बात आई तो मैंने कहा रोड भी टूटी है, इतने लोग आते हैं, 50 लाख लोग आते हैं, यात्री आते हैं, सरभंगा सुतीक्षण पूरे आश्रम है, गैरीनाथ धाम है, सारी जगह लोग आते हैं, व्यवस्थाएं नहीं है। दो बार से तो आप ही अध्यक्ष थे नगर पालिका के, तो हमने कहा कि आप भी 20 साल से सांसद हो, आपने क्या किया फिर? पर्सनल में चले गए कि आप विकास में बाधा को सरकारी जमीनों पे वो कर रहे हो। हमने कहा अपन 56 से जांच करा लो, किसी के पिताजी की जमीन है नहीं, प्रभारी मंत्री जी 1946 से आप जांच कराओ हमारी लैंड की, हम लोगों की परिवार की जमीन है, हम लोग जमीन देते हैं, जमीन लेते नहीं है। इस तरह से हॉट टॉक, मतलब हॉट टॉक कहना चाहिए या बातें कहना चाहिए, लेकिन हाँ मुझे लेकिन एक चीज जरूर ये लगी कि इतने बड़े पोस्ट में इतने अनुभवी आदमी को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। जी सवाल मेरा ये है क्योंकि चित्रकूट में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि गर्मी के दिनों में पेयजल संकट होता है, तो आपकी मांग क्या मूल रूप से ये थी कि अभी त्वरित समाधान होना बेहद जरूरी है? बिल्कुल, यही तो भाई आपकी योजना अभी गई है पाइपलाइन से सप्लाई की बाण सागर वाली, योजना जाती है धीरे धीरे होते होते उसको टाइम लगता है, 20 साल से 10 साल से सीवर लाइन बन नहीं पाई है, अभी तत्काल हमको 200 हैंडपंप चाहिए। हम अपने जो आदिवासी बस्ती छोटे छोटे पुरवा है, हर 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 समाज के लोग हैं, वहाँ एक एक हैंडपंप भी हो जाएगा तो कम से कम फिलहाल की व्यवस्था तो रहेगी। अब लोग 24 का इंतजार पानी पीने के लिए तो नहीं करेंगे ना, समस्या तो अभी है। इस मुद्दे पर आपको प्रभारी मंत्री का तो एक तरह से साथ मिला था क्योंकि उन्होंने उस प्रभारी मंत्री जी का चित्रकूट से चूंकि धार्मिक लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उन्होंने अच्छा निर्णय लिया था। उसके बाद जो बाकी से चीजें थी, जो 7 MLA हैं हम लोग, 2-2.5 करोड़ के प्रस्ताव हम लोगों को देने, जो सरकार को ना, तो उसने मैंने कहा कि हैंडपंप हो जाएंगे और हमको जो आंगनबाड़ी वगैरह करनी होगी वो हो जाएगी। पता नहीं क्यों वो झिझला गए, क्यों वो भड़बड़ा गए, ये मुझे भी नहीं पता है। और एक एक, एक मसला ये भी निकल के आया कि बीजेपी ने सीधे तौर पर ही आरोप लगा दिए कि आप चित्रकूट को पिछड़ेपन की ओर धकेल रहे हैं, जबकि आप ये दावा कर रहे हैं कि तमाम वो फंड वो चित्रकूट के लिए चाह रहे थे कि जिससे वहां का डेवलपमेंट हो पाए, वहां पेयजल व्यवस्था दुरुस्त हो पाए। आप मेरे विधानसभा के सवाल और मेरे विधानसभा के स्पीचेस में आपको भेजूंगा, सुनोगे आप, ये सब बातें कर रहे हैं। 20 साल में चित्रकूट के लिए किया क्या है किसने? सीधा सवाल है, बात करें बैठ के।
कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र को कभी पीछे ढकेलेगा जी? नहीं, कभी नहीं ढकेलेगा। लेकिन उनका उनका ये कहना कि नीलांशु चतुर्वेदी 2023 में चित्रकूट विधायक नहीं बनेंगे, ये इसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि सीधे तौर पे उन्होंने इस हॉट टॉक में आपने भी बताया कि ये इन चीजों का जिक्र करने लगे। नहीं, उन्होंने कहा कि 24 की जब बात की कि 24 में मैं पेयजल वाली योजना ले आऊंगा, तो हमने कहा 24 बहुत दिन है, कौन 24 में रहेगा कि नहीं रहेगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, 24 में मैं तो रहूंगा लेकिन आप नहीं रहोगे। जी कोई बात नहीं, लड़ लें खुद इस बार, ठीक है, 23 में स्वागत है, विधानसभा लड़े पहले साथ में हमारे, उसके बाद आगे होगा। और हारना जीतना ये किसी की कृपा से नहीं, चित्रकूट क्षेत्र की जो जनता है, राम भक्त जनता है, उसके स्नेह से आदमी बना है। आप उसी जनता की समस्याओं को ले नहीं निदान कर रहे हो, जहां से आपको वोट मिलते हैं, आपको स्नेह मिलता है। ये आपके कह देने से आप कोई भविष्यवक्ता नहीं हो कि आपके वोट से एक आदमी जीतता है। चित्रकूट में रहने वाले लोगों की प्यार मोहब्बत से आदमी चुनाव जीतता है। अहंकार जब आ जाता है तो इसी प्रकार की भाषा आने लगती है। मेरा सुझाव है, भगवंतनाथ से ही प्रार्थना है कि इनके अहंकार को, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को थोड़ा भगवान राम शांत करें, अहंकार बोल रहा है जी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 2024 में वो सतना से चुनाव लड़ लें, देखते हैं कि वो सांसद बनते हैं कि नहीं। चुनौती है कांग्रेस की ओर से बीजेपी को? बिल्कुल चुनौती है पूरी जी, बिल्कुल चुनौती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलांशु जी जी, थैंक यू।